नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज के टॉपिक में चर्चा करते हैं कि किडनी फंक्शंस के फेलियर में जब किडनी सही रूप से काम नहीं कर रही होती, खराब होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण आते हैं जिन्हें शुरू में ही अगर कैच कर लिया जाए, शुरू में ही पहचान लिया जाए, तो किडनी के फेलियर होने से बचा जा सकता है। देखिए, आम तौर पे जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म से हमें एनर्जी प्राप्त होती है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको निकालने में ये किडनी जो है, जो हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं, इनसे वो जो पदार्थ हैं, वो जो हानिकारक तत्व हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं पानी के द्वारा, जिसे हम पेशाब कहते हैं, तो उसके द्वारा शरीर से वो बाहर निकल जाते हैं। तो किडनी जो है, इसका एक बहुत बड़ा एक फंक्शन है कि जैसे बाई प्रोडक्ट्स में यूरिया बनता है, क्रिएटिनिन बनती हैं और एसिड फॉर्मेशन होती रहती है, या अल्कलाइन मीडियम को सही रखने के लिए, ब्लड की शुद्धता के लाने के लिए, ब्लड का पीएच सही मेंटेन रखने के लिए ये किडनी है ये बहुत बड़ा काम करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमेशा 24 घंटे जो है शुद्धिकरण चलता रहता है। तो देखिए, अगर ये किडनी ख़राब हो जाए तो क्या होगा कि ये जितने भी हानिकारक तत्व हैं वो शरीर में रुक जाएंगे और उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ ऐसे लक्षण बनने शुरू हो जाते हैं जिससे कि फिर वो हम अगर शुरू में ही पहचान लें तो क्या होगा कि आगे चल के किडनी फेलियर होने से बच सकते हैं। तो आम तौर पे किडनी जो है एक्यूट रीनल फेलियर होता है। एक्यूट का मतलब जो अचानक किसी बीमारी की वजह से, जैसे किसी को डायरिया लग गया, उल्टियां लग गई, खून की कमी एकदम बहुत ज़्यादा हो गई, कोई हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, और उसकी वजह से अगर किडनी अचानक उसको एक शॉक सा लगता है, उसकी अगर उसे पूर्ण रूप से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो उसकी वजह से जो किडनी ख़राब हो जाती है उसे हम एक्यूट रीनल फेलियर कह देते हैं। और जो क्रॉनिक धीरे 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 जो किडनी डैमेज होती चली जाती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या हाइपरटेंशन है, या कोई ऐसी कोई ड्रग्स खा रहा है कोई व्यक्ति, कोई पेन किलर ही लेता जा रहा है, और धीरे धीरे जो डैमेज किडनीज में होते चले जाते हैं उसे हम क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं, कि धीरे धीरे वो किडनी जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो देखिए, जो एक्यूट इन्फेक्शन्स होते हैं, जैसे किसी को टॉन्सिल्स हो गए या कोई और इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी किडनी जो है अचानक जो है काम करना बंद कर देती है और उसकी वजह से शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां बन जाती हैं जिसको फिर अगर समय पे इलाज कर लिया जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो क्रोनिक रीनल फेलियर है, अगर उसका भी सही जो उसके कॉज हैं उसका सही ढंग से शुरू में ही उसका इलाज कर लिया जाए, सही ढंग से उसे मेंटेन कर लिया जाए, तो क्या होगा कि किडनी जो है काफ़ी उम्र तक काम करती रहती। और सबसे बड़ी, जैसे एक तरह से ये साइलेंट किलर होता है, कि इसमें किडनी में जो क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, शुरू में ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं आते जिनका पता ही नहीं लगता, और धीरे धीरे वो क्या होता है कि किडनी डैमेज हो जाती है और थर्ड और फोर्थ स्टेज में जाके पता लगता है कि किडनी जो है फेल हो चुकी है। किडनी की जो फेल होने की 5 टाइप्स में से डिवाइड किया हुआ है, वो एक GFR एक फार्मूला होता है जिसकी वजह से ये निकाल लिया जाता है कि किडनी कौन सी स्टेज में इसका फेलियर हुआ। लेकिन जो सिम्टम्स आते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं, उनकी यहाँ मैं चर्चा आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, किडनी का काम, जैसे मैंने कहा कि इसे फिल्ट्रेशन करना होता है, इसमें से जो हानिकारक तत्व निकालने होते हैं और पानी की निकासी होती है। जब किडनी में से पानी का निकासी नहीं होगी तो क्या होगा कि शरीर का में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का वेट भी बढ़ जाता है, और ग्रेविटी की वजह से जो टांगों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, एंकल जॉइंट्स पे स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, पिटिंग एडिमा आना शुरू हो जाता है, कि अगर अंगूठे से हम उस जगह को दबाएंगे तो वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है, जिसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो ये केवल इस कंडीशन में दबाव देने से अगर गड्ढा बनता है और उसकी वजह से सूजन आई होती है, तो वो एक इसको हम कहते हैं पिटिंग एडिमा का इसको नाम दिया गया। और फिर देखिए, ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है कि जिस समय वो सवेरे उठते हैं तो उनकी आँखों के चारों तरफ जो है
काफ़ी ज़्यादा सूजन आई होती है, आँखें सूजी हुई होती है, चेहरे पे भी सूजन आई हुई होती है। तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को किडनी फेलियर के ये अर्ली स्टेज के सिम्टम्स ऐसे पेशेंट्स को दिखाई देते हैं। फिर देखिए, अगर किसी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि किडनी के अंदर इस प्रकार के एक हार्मोन बनते हैं जो कि किडनी के लिए ब्लड प्रेशर को, मतलब ये आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि अगर किडनी फेल हो रही होती है तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है हाई होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी के चेहरे पे स्वेलिंग आती है सुबह के समय और हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसकी जांच उसे ज़रूर करा लेनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनी फेलियर का ये सिम्टम्स आ रहे हों। फिर देखिए, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो उसके एडिड सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख नहीं लगती है, जी मचलाता रहता है, उल्टी आने का मन करता है, पेट भरा भरा सा रहता है, भूख नहीं लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एडिड सिम्टम्स होते हैं कि जिनकी वजह से, क्योंकि शरीर के अंदर यूरिया लेवल बढ़ रहा होता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा होता है, तो उसकी वजह से अगर ये परेशानी, किसी को भूख नहीं लग रही है या उसका पेट में इस प्रकार की, जैसे मैंने अभी चर्चा की, अगर उसे परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर है, चेहरे पे सूजन है या पैर पे सूजन आई हुई है, तो ये मान सकते हैं कि उसे हो सकता है कि उसे किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है और उसकी किडनी खराब हो रही है। फिर देखिए, क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में खून की कमी भी हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर उनकी किडनी फेलियर चलती रहती है तो उसमें एक इस प्रकार का पदार्थ बनता है कि थ्रोपाइटिन हम जिसे कहते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके फैक्टर की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से बोन मैरो के अंदर जहाँ खून बनता है उसकी बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि शरीर में खून की कमी भी आ जाती है। फिर देखिए, जब इतना ज़्यादा किडनी धीरे धीरे ख़राब होती चली जाती है, यूरिया लेवल बढ़ता चला जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता चला जाता है, तो उसकी वजह से सारे शरीर में खुजली होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खुजावट होती है। तो ये भी एक सिम्टम है कि अगर चेहरे पे सूजन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, खुजली लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एक तरह से शो करते हैं कि पेशेंट्स की किडनी हो सकता है कि खराब हो गई हो। तो लेकिन अगर कंफर्मेशन अब कैसे करेंगे कि भाई वाकई उनकी किडनी डैमेज हो चुकी है, तो उसके लिए देखिए पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। तो उसमें पाया जाता है कि उनकी यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी लेवल बढ़ा हुआ है, जीएफआर जो है वो कम हो चुका है, कि उसकी वजह से तो पता लग जाता है कि किस स्टेज की किडनी उनकी डैमेज हुई हुई है। इसके साथ अल्ट्रासाउंड साथ में कराया जाता है पेट का, पूरे पेट का जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता लगता है कि किडनी में भी खराबी आ चुकी है, या तो वहाँ पे पथरी हो चुकी है या किडनी श्रिंक हो गई हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड से हमें ये बातों का पता लग जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स आपको बताए कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स की किडनी जो है वो डैमेज हो गई। फिर देखिए, इसमें अब करना, इसके साथ साथ और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जैसे किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में से पेशाब जो है उसकी निकासी कम हो जाती है, स्टीम जो पेशाब की आने की वो कम हो जाती है धीरे धीरे, वो इतना अगर वो पेशेंट इग्नोर करते रहते हैं तो ब्रेक प्रेशर पड़ने की वजह से किडनी तब भी डैमेज हो जाती है। जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं थी प्रोस्टेट की, लेकिन उन्हें परेशानी रहती थी, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया और उसकी वजह से जो बैक प्रेशर पड़ पड़ के जब पेशाब पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो पेशाब की थैली भरी रहती है। थैली भरने से क्या है, यूरेटर्स होते हैं जहाँ से किडनी और ब्लैडर को जोड़ने वाली एक नलिकाएँ होती हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से फिर बैक प्रेशर पड़ के धीरे धीरे किडनी भी डैमेज हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ओल्ड एज में पता ही नहीं लगता कि उनकी किडनी किस समय खराब हो गई और जिसका फिर वो निदान करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो ये कुछ मैंने चंद बातें करी। और इसके साथ साथ अगर हम पेशाब की भी जांच कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिनकी किडनी फेल हो रही है तो उनकी पेशाब में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। तो उसका कैसे पता लगाते हैं कि जिस समय वो पेशाब करने जाते हैं तो उन्हें झाग वाला पेशाब आता है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रोथ बनती है यूरिन में। तो ये भी एक कारण उसको आइडिया लग सकता है कि ऐसे पेशेंट्स को उनकी पेशाब में प्रोटीन आ रही है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। दूसरे और बहुत से कारण होते हैं, वो सिम्टम आ सकते हैं कि उनके पेशाब में बदबू आनी शुरू हो जाती है, खून आ सकता है, अलग किस्म का पेशाब आना शुरू हो जाता है, सारे शरीर पे सूजन आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर जैसे मैंने कहा हो सकता है, और दूसरा कभी कभी
जब उनका यूरिया लेवल बढ़ जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि दिमाग पे उसका असर आ जाता है, उनके सोचने समझने की थिंकिंग पावर चेंज हो जाती है, धीरे धीरे वो उन्हें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और ये गलफत में वो रहना शुरू कर जाते हैं ऐसे पेशेंट, क्योंकि यूरिया लेवल बढ़ने से उनकी ये हालत हो जाती है, वो ड्राउजी रहने लग जाते हैं, बहुत नींद नींद उन्हें आती रहती चली जाती है, तो ये भी एक कारण जो है किडनी के फेलियर का होता है। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि जो हार्ट है इसकी जो बाहर की झिल्ली है उसमें पानी आ जाता है, तो वो भी एक सिम्टम होता है कि कहीं किडनी की वजह से वो उसमें भी पानी आने की शिकायत बन जाती है, या पेट में पानी आ जाता है, पेट में पानी हो जाता है। तो ये लेकिन ये सारे सिम्टम जो हैं लेटर स्टेजेस में होते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में जैसे मैंने कहा कि अगर आपके चेहरे पे सूजन आती है, सवेरे के समय उठते हुए सूजन आती है, पैरों में थोड़ी सूजन आनी शुरू हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर रहने लग गया है, खून की कमी हो गई है, भूख नहीं लगती है, तो ये चारों पाँचों अगर एक साथ सिम्टम आपको नज़र आते हैं, या पेशाब की कमी हो गई है, या रात के समय बहुत ज़्यादा पेशाब आने लग गया है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये किडनी फेलियर की तरफ इसको अंकित करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे पेशेंट्स को हर 6 महीने बाद, हर व्यक्ति को जिनको डायबिटीज़ है, जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कोई हार्ट का कोई रोग है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए कि साल में 2 बार अपने किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि वहाँ से किडनी फंक्शन टेस्ट जो हैं वो प्रूफ देते हैं कि जो पेशेंट की या व्यक्ति की किडनी सही रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।